रिश्ते में जब भी आपका इंसल्ट हो तब आपको क्या करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब सुटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो कई बार हमारी इंसल्ट हो जाती है, कई बार चिंता हो जाती है, सामने वाला कुछ कह देता है या ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसकी वजह से हमें बुरा लगता है। तो इस वक्त ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला है, हमें किसी से अपनी वीकनेस नहीं कहनी है। और अगर आप किसी को वीकनेस कह रहे हैं तो उतना भरोसा होना चाहिए खुद से भी ज़्यादा, तभी कहें। क्योंकि अगर आप हर किसी को अपनी वीकनेस कहते फिरेंगे तो फिर वो मज़े तो लेने ही लेने हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए। दूसरा है, ज़्यादा किसी के मुंह मत लगे, आपका पार्टनर ही क्यों ना। कई बार हम अपनी बातें सच साबित करने के लिए छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं। कई बार हम सामने वाले को बिना कुछ कहे समझे उनसे मुंह लगाने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें हर बार जीतना है। ऐसे रिश्ते नहीं बनते, हमें ज़्यादा मुंह नहीं लगना है। अगर हम बार बार मुंह लगेंगे तो हो सकता है कोई बड़ी दिक्कत हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, घटना होने के बाद हमें हर वक्त कुछ नहीं करना होता, उससे पहले भी हमें कुछ चीज़ें होती है जो समझनी होती है, करनी होती है। तीसरा है, आपको अपने पार्टनर को थैंक यू कहना है, चाहे वो आपकी इंसल्ट करे, लेकिन उनको थैंक यू कहना है कि आपने मुझे ये समझाया, बताया, सिखाया। तो ये कहने से आपको अंदर से भी शांति होगी और उनको भी पछतावा होगा, ये बात तो पक्की है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब इंसल्ट हो ऐसा लगे आपको तब ये सब करना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये सब करते हैं या आप क्या करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं इस परिस्थिति को। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे जी अभी फ्रांजा मजबूला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।